भाई ये डेरा आ गया हमारे लेफ्ट साइड पे, गाड़ी चलाते हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का जो हमारा व्लॉग है वो मैंने बेसिकली जाना है लेडी अपने चाचू की तरफ, उन्होंने कोई घर वगैरह डिज़ाइन करवाना है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा सा आर्किटेक्ट भी हूँ। तो अब प्लान्स कुछ इस तरह से हैं, अभी हमने कुछ खाने पीने के लिए ले लिया, ये शोधा जलियाँ लेकर आया है, नंबर है जली खाने की। फिर भी खैर अभी हम जा रहे हैं खाने पीने के लिए, हमने इस वजह से ले लिया आगे, जहाँ गांव में हम जा रहे हैं वहाँ दूर दूर तक दुकानें ढूंढना बड़ा मुश्किल है। शहर से निकल आए, इर्द गिर्द जंगल स्टार्ट हो गया। ओ यार मैं रात गिर रहा है, एसी क्यों बंद किया है? एसी क्यों बंद किया तुमने? एसी तुम मेंटली अपसेट तो नहीं है? ये शॉर्टकट है उस गांव का, लेडी का, और यहाँ ऊपर लोग शिकार करते हैं। वालेकुम सलाम चाचू जी, मैं बस ही बात कर रहा हूँ, मैं 15 से 20 मिनट तक पहुँच जाऊँगा डेरे पे। ठीक है ओके। यार ये कब से हमारी गाड़ी के आगे रास्ता ही नहीं दे रहा। भाई रास्ता दे दे थोड़ा सा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत नहर, जिसकी वजह से मुझे इस एरिया में आना पसंद है। ये राइट साइड पे हमारी नहर है, पर इसका पानी इतना ठंडा होता है, हम बचपन में यहाँ पे नहाने आया करते थे। ये नहर है सारी और ये नीचे है। इसके इस तरफ नीचे पानी, इधर भी। अभी हम ऑलमोस्ट कोई 5-7 मिनट दूर हैं पहुंचने लगे हम लोकेशन पे। ओ वाइट घर। अच्छा तो भाई ये डेरा आ गया हमारे लेफ्ट साइड पे। गाड़ी चलाते हैं। पानी पी रहे चाचू? नहीं नहीं चाचू, कार के अच्छा नहीं, मेरी उन्हें गल हुई है कोई 15-20 मिनट पहले, मैं उन्होंने दसिया सी मैं आ रहा हूं, उन्होंने कहा चलो ठीक है पूछो, मैं आ गया बस। चाहे जितनी देर चाचू आते हैं हम जरा नहर के पास चलते हैं, पूरी ठंडी हवा में वहां पे बैठते। ये बेसिकली नहर है लेकिन हम यहाँ पे रुक नहीं रहे, यहाँ पे काफी फैमिलीज आई हुई हैं तो उस तरह अच्छा नहीं लगता, हम वापस डेरे पर ही चलते हैं। किसी ऐसी जगह वापसी पे रुक जाएंगे जहाँ पे ज्यादा लोग ना हो और फैमिलीज ना हो। वो एक बंदा है जो घोड़े को पानी के अंदर लेके गया, वह सराहा नहीं गया, मैं बाहर आ गया हूँ देखने घोड़ा कितना आराम से स्विम कर रहा है।
बिल्कुल सही, ये 12-15 फुट आगे निकल जाएगा क्योंकि 12 और 8 फुट इसके रोज से स्टार्ट होते हैं। वहाँ पे टेरेस बना के भी ना रोड लेवल के पास पास ही आएंगे तो आपको वो टेरेस पे बैठ के वो फीलिंग नहीं आएगी कि आप छत पे बैठे। छत की जो फीलिंग हमने देनी है वो हमने देनी है क्योंकि व्यू से नेट नेट जितना। अब हम वापस जा रहे हैं, इसका मैच है फुटबॉल का और साथ यहाँ पे बच गया, 7 बजे मैच था। अभी हम बस जल्दी जल्दी गेटपुर जाते हैं, 8-9 किलोमीटर दूर है लेकिन हम पहुँच जाएंगे। भाई तू लेट पहुंच जा रहे हैं। नहीं आज हम पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेंगे। आज बेशक एक टांग के साथ पहुंचाऊंगा तो फुटबॉल जरूर खिलाऊंगा आज। मोहम्मद को ड्रॉप कर दिया है और अभी उसका मैच स्टार्ट नहीं हुआ था तो वी वर ऑन टाइम। बस अब मैं भी घर जा रहा हूँ। ओके गाइस, मैं घर आ गया हूँ। सो बेसिकली मेरा आज लास्ट डे है मीरपुर में और मैंने कल सुबह लाहौर चले जाना है। बहुत मज़ा आया मीरपुर के अंदर, मौसम भी यहाँ का बहुत अच्छा था, बहुत इन्जॉय किया। व्लॉग्स भी मैं कंसिस्टेंटली बनाता ही रहा हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं लाहौर जाके भी बनाऊँ, बट वहाँ पे जाके थोड़ी सी टफ़ रूटीन हो जाती है तो डेली व्लॉग्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी मैं बनाने की कोशिश पूरी करूँगा। ये जो कॉन्टेंट है इट्स जस्ट फॉर फन, कोई इसमें टेक्निकली इतना देख नहीं रहा होता। मेजरली जो मेरा काम है वो आप इंस्टाग्राम पर देखते ही हैं, तो वो भी आपके लिए, ये भी आपके लिए। बस व्लॉग को बस यहाँ मैं ख़त्म करूँगा। See you in the next vlog. Subscribe करना, like करना, share करना and comment if you like any specific part from the vlog. Bye bye.